हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करेंट अफेयर्स या 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी ऑलरेडी 115 वीडियोस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किया है। साथ में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं वो भी हमने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में यदि आपने वीडियोज नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2002 प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाकर ये सारी वीडियोज करंट अफेयर से रिलेटेड देख सकते हैं। इन वीडियोज को हमने जनवरी 2022 से लेकर अभी जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर इवेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड यदि कोई पार्ट आया है तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम करंट इवेंट्स से रिलेटेड फ्रेंच ओपन जो कि अभी रिसेंटली मई में खेला जा रहा है 2022 का, जहाँ पे कि वर्ल्ड की नंबर वन ईगा स्वास्तेक ने दूसरी बार यहाँ पे फ्रेंच ओपन जीता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में जो वीडियो के लास्ट में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो 2022 का ये आपका ग्रैंड स्लैम होता है। हमने अभी क्लास स्टैटिक जीके की हमने दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें कि क्लास वन में हमने देखा था कि आपका ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं। स्टैटिक जीके के नाम से आपको मिल जाएंगी ये वीडियोस, हमने अभी रिसेंटली कुछ अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड किए हैं, तो ये वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास वन में हमने डिस्कस किया कि ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, क्लास टू में हमने फ्रेंच ओपन के बारे में पूरा डिस्कस किया क्या होता है, किस पे खेला जाता है और कैसे आपका ये किस तरह इसमें आपके जो होते हैं कोर्ट किस तरह का होता है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कब स्टार्ट हुआ था ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम इससे रिलेटेड करंट इवेंट न्यूज देख रहे हैं कि फ्रेंच ओपन 2022 इस साल किसने जीता है। तो सबसे पहले बात की जाए फ्रेंच ओपन 2022 जो जीता है वो आपका इगा स्वास्तिक ने दूसरी बार यहाँ पे फ्रेंच ओपन जीता है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो लगेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, चलते हैं पहली स्लाइड पे। देखिए, बात की जाए कि फ्रेंच ओपन जो की पर फ्रेंच ओपन को हमने वीडियो स्टैटिक जीके की वीडियो में डिस्कस किया था, सामान्य ज्ञान की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका फ्रेंच ओपन होता है वो आपका ग्रैंड स्लैम जो आपके एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स ले ले जाते हैं उसका सेकंड होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है पहला जो कि जनवरी में खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन ये आपका मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन हमने देखा था कि 1891 में जो है वो आपका फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंच ओपन जो जीता है वो इस समय 2022 का वो यहाँ पे ईगा स्वास्तिक ने यहाँ पे डिफीट किया है, अमेरिकन वर्ल्ड्स नंबर वन है इस समय इगो स्वास्तिक। इगो स्वास्तिक ने जो क्लेम्ड हर सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल आफ्टर डिफीटिंग अमेरिकन टीनेजर कोको गोफ, कोको गोफ को हराकर। देखिए, अमेरिका की खिलाड़ी टेनिस प्लेयर कोको गोफ को हराकर जो यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड की नंबर वन इगा स्वास्तिक ने यहाँ पे अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम सेकंड फ्रेंच ओपन यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट अनबीटन विन हर सेकंड टाइटल यहाँ पे जीता है एट रोनाल्ड गैरोस। देखिए, हमने फ्रेंच ओपन की वीडियो डिस्कस की थी तो फ्रेंच ओपन को जो है वो आपका रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये आपका क्ले मिट्टी पे खेला जाता है और 1891 में जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिकन टीनेजर इट वॉज फाउंड ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर द 21 ईयर्स ओल्ड स्वास्तिक हु ऑल्सो ट्रम्पेट एट राउंड गैरोस इन 2020 में भी इन्होंने ये जीता था 2020 में भी। तो इस समय जो इगा स्वास्तिक है इन्होंने जो है वो आपका फ्रेंच ओपन 2022 जीता है। तो ये कहाँ की हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर ले। तो इनके बात की जाए तो ये रहने वाली कहाँ की हैं, तो ये आपके पोलैंड की हैं। पोलैंड की इगा का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था, इससे पहले उन्होंने एक बार फ्रेंच ओपन का ही फाइनल खेला था जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी आपकी 2020 में। तो 18 साल की अमेरिका की कोको गोफ को हराकर यहाँ पे इन्होंने जो है वो आपका फ्रेंच ओपन जीता है। तो 6-1 6-3 और यहाँ पे 6-1 6-3 से हराकर यहाँ पे इगा स्वास्तिक ने वुमेन सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट का फ्रेंच ओपन यहाँ पे जीता। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। इसके अलावा भी हम कुछ देख कर, ये 2020 में लगातार 35वां मुकाबला 2020 में लगातार 35वां मुकाबला जो है वो आपका इगा स्वास्तिक ने यहाँ पे जीता है। वह 35 जितने भी देखिए इगा स्वास्तिक ने इस साल जितने भी आपके जितने भी लगातार 35 खेल जो खेले उनमें इन्होंने एक भी बार हार नहीं हुई है। तो इस जीत के साथ ईगा ने विनस विलियम्स के रिकॉर्ड को यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया है। विनस ने साल 2022 में लगातार 35 मैच जीते थे, ईगा ने 22 साल बाद उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर दी, 35 मुकाबले यहाँ पे जीत लिए। इट वॉज ऑल्सो हर 35th विन ऑन द ट्रोट एंड अनबीटन रन द बैट बिगिन इन फरवरी दिस ईयर। तो फरवरी से लेकर अभी तक इन्होंने जो है यहाँ पे 22
जो है वो आपके 2022 में भाई यहाँ पे 35 जो जितने भी खेल खेले हैं सभी इन्होंने जीते, जिन्होंने की वीनस विलियम, इससे पहले 2020 में वीनस विलियम के नाम ये रिकॉर्ड था लगातार 35 35 टेनिस टूर्नामेंट जीतने का, इन्होंने भी इनको इसको तोड़ दिया है और ये आपके 35 बार लगातार जीतने वाली यहाँ पे सेकेंड खिलाड़ी उनकी बराबरी कर ली है उनके रिकॉर्ड की। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच ओपन या रेनॉल्ड गैरोस ओपन जो खेला गया है उसमें किसने यहाँ पे जीत दर्ज की है, किसको हराकर। तो यहाँ पे जो आपका विनिंग किया है, जो आपका विन किया है वो आपका इगा स्वास्तिक ने यहाँ पे 2022 का आपका फ्रेंच ओपन 2022 जीता है, जो कि आपका मई मई में आयोजित किया जाता है, मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। वुमेन सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब जीता है वो आपका इगा स्वास्तिक ने यहाँ पे जीता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फ्रेंच ओपन जो आपका खेला जाता है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन कब स्टार्ट हुआ था इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका 1851 में आपका फ्रेंच ओपन स्टार्ट किया था। तो ये ऑल अबाउट था आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।